हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमाज क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बड़े लीव्स कैसे फिल किए जाते हैं ये बताऊंगी। मैंने इससे पहले भी दो वीडियोस बनाए हैं, वीडियो नंबर 138 एंड वीडियो नंबर 143, वो भी लीफ फिलिंग पे ही हैं। आज मैं आपको बड़े साइज के लीव्स को कैसे फिल किया जाता है ये बताऊंगी। इनको बनाने के लिए ग्राफ आपको कहीं से भी मिल जाएगा। आपने यूं पहले लीफ को स्क्रिबल कर लेना है, फिर उसके बाद उसके बीच में ये वेन्स बनानी है। ये देखिए, ऐसे 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 और ऐसे। उसके बाद आपने पेंसिल से निशान लगाना है कि इसको डायरेक्शन क्या देनी है। जब तक आप डायरेक्शन नहीं देंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि स्टिचेस को किस तरीके से वीव करना है। वेन तो हमारी ये अंदर है, ये और ये देखिए, ऐसे और ऐसे। और फिलिंग जो है वो हमने किस डायरेक्शन में करनी है उसके लिए मैंने पेंसिल का इस्तेमाल किया है। ये देखें, हम इधर से इसको यूं निशान लगा लेते हैं। ये जो हमारा कर्व है, यहां से सीधा अंदर की तरफ सेंट्रल वेन की तरफ निशान लगाते हैं ताकि हमें पता लगे कि हमने इस डायरेक्शन में स्टिचेस लेने हैं। और उसके बाद ये वेन हमारी टच कर जाएगी इसको। ये देखे, यहां पे हमारी वेन है, ये टच करेगी तो ये वाली स्पेस को हमने ऐसे ही फिल करते रहना है। और फिर यहां से शुरू करना है और फिर यहां से ऐसे ऐसे फिल करते हुए ये पूरी स्पेस को यूं फिल कर लेना है। फिर यहां पे ये टच कर जाएगी इस वेन को तो यहां पे ये स्पेस ऐसे ऐसे फिल होगी। डायरेक्शन होगी तो आपको बनाना मुश्किल नहीं होगा। फिर यहां से शुरू करेंगे और यहां से ऐसे ऐसे फिल करते हुए इसको ऐसे अंदर ले जाएंगे। फिर यहां पे इसको ऐसे और ये वाली स्पेस को ऐसे और इनको ऐसे 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 ऐसे। आपको डायरेक्शन पता होगी तो स्टिचेस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच यूज करेंगे या जिसको आप रोमेनियन स्टिच बोलते हैं उस स्टिच से ये लीफ फिलिंग करेंगे। और हम इसके लिए एंकर की गुच्छियां यूज कर रहे हैं। इसमें 6 स्ट्रैंड्स होती हैं। मुझे बार बार पूछते हैं आप थ्रेड कौन सा यूज करते हैं। मैं ज्यादातर 6 स्ट्रैंड थ्रेड ही यूज करती हूँ। ये 6 स्ट्रैंड थ्रेड्स हैं, इनको मैं निकाल के 3 स्टैंड जो हैं वो इस नीडल में ले लेती हूं। और नीडल्स आप कोशिश करें कि पोनी की असॉर्टेड नीडल्स का जो पैकेट आता है आप वो ले लें। उसमें हर साइज की नीडल होती है क्योंकि हमें डिफरेंट साइज के नीडल जो हैं वो चाहिए होती हैं हर एम्ब्रॉयडरी के लिए। हम अगर 2 स्टैंड यूज कर रहे हैं तो इससे बारीक नीडल चाहिए। अगर 1 स्टैंड यूज कर रहे हैं तो उससे भी बारीक नीडल चाहिए। अगर हम थोड़ा 6 स्ट्रैंड यूज कर रहे हैं तो इससे बड़ी आई वाली और थोड़ी बड़ी नीडल चाहिए। एम्ब्रॉयडरी पे भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सी नीडल चाहिए। तो मैं आपको हर एम्ब्रॉयडरी से पहले नीडल दिखाती हूँ और फिर उसके बाद एम्ब्रॉयडरी शुरू करती हूँ। तो मैंने ये देखिए इस साइज की नीडल ली है जो इन थ्रेड्स को अच्छे से होल्ड कर रही है और बनाने में भी मुझे कन्वीनियंट होगी। और इसकी साइड में मैंने गांठ नहीं लगाई है क्योंकि हम मोस्टली जब फिलिंग करते हैं तो गांठ नहीं लगाते। तो सबसे पहले हम टॉप से शुरू करते हैं। मैंने हाफ लीफ जो है वो आपके लिए फिल कर दिया है, हाफ मैं आपको फिल करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए, मैं यहां से शुरू करूंगी। पहले छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए मैं टॉप पे नीडल को निकालूंगी और इस थ्रेड को यहां पे ऐसे ही लूज छोड़ दूंगी। जब ये बीच में वीव हो जाएगा तो ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा ऐसे, ठीक। अब उसके बाद हम वर्क करना शुरू करेंगे। रोमेनियन स्टिच मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है, आज अब मैं फिर आपको सिखाऊंगी कि इसको कैसे करते हैं। आपने थ्रेड को अपने राइट हैंड साइड की तरफ रखना है और जितनी स्पेस है उस हिसाब से स्टिचेस लेने हैं हमने। जैसे ये स्पेस हमारी बहुत छोटी है तो हमने छोटे स्टिचेस लेने हैं। जैसे जैसे स्पेस बढ़ती जाएगी हम स्टिचेस बड़े लेते जाएंगे। तो जैसे जैसे मैं वर्क करूंगी आप ध्यान से देखिए कि मैं किस तरीके से इसको वर्कआउट करती हूँ। तो ये देखिए, हम थ्रेड को अपने राइट हैंड साइड की तरफ रखेंगे और फिर हम यूं एक छोटा सा स्टिच नीचे की तरफ लेंगे। अब थ्रेड हमारा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ गया है। अब ये वाला हमारा जो स्ट्रेट स्टिच है इसको ओवरलैप करेगा ये वाला हमारा स्टिच नेक्स्ट। हम इसको नीडल को यूं ऊपर इसके साथ निकालेंगे, छोटा सा स्टिच लेंगे और ऐसे निकाल लेंगे। तो हमारे पहले स्टिच को इसने ओवरलैप कर लिया तो इससे स्टिचेस जो हैं वो फैलेंगे नहीं। अब फिर से इसको राइट हैंड साइड पे ही रखना है और नीचे वाला स्टिच आपने एज इट इज नीचे की तरफ थोड़ा थोड़ा मूव करते हुए लेते जाना है।
डायरेक्शंस नीचे मैंने लगाई हैं, आपको ध्यान रहे कि इनके साथ साथ ही वर्क करना है। अगर हमें लगे कि ये वाली स्पेस जो है नीचे कम हो रही है ऊपर ज्यादा है, तो ऊपर एक स्टिच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। और फ्रेम को आपने बहुत टाइटली अटैच करना है। ये मैंने 6 इंच का फ्रेम लिया है, आप कोई भी फ्रेम जो आपको कन्वीनियंट लगे। मुझे 6 इंच का फ्रेम कन्वीनियंट लगता है, हम कपड़े को और फ्रेम में से एम्ब्रॉयडरी को अच्छे से होल्ड कर सकते हैं, तो इसलिए आप भी ये फ्रेम यूज कर सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि स्टिच सेम है इसलिए आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने जिस चीज का ध्यान रखना है वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि आपने डायरेक्शन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर डायरेक्शन ठीक नहीं होगी तो आपके लीफ की जो शेप है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। तो ये देखें, यहां पे मेरा ये एंड हो रहा है, तो यहां पे ऐसे स्टिच लगे। अब आगे भी देख रहे हैं ये स्टिचेस जो हैं हम ऐसे ही लेते जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे। ये स्टिच हमारा एंड वाला यहां तक यहां आएगा, तो फिर हम यहां से तोड़ के ऐसे ऐसे बनाना शुरू करेंगे। तो यहां तक हमने कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ इसी डायरेक्शन में स्टिचेस लेने हैं। सिर्फ ध्यान किस चीज का रखना है कि जैसे ही ये स्पेस हमारी ज्यादा बड़ी हो रही है तो हम स्टिचेस भी थोड़े बड़े लेंगे, ओवरलैपिंग ज्यादा कर देंगे। पहले हम छोटा सा स्टिच ले रहे थे, अब हम थोड़े बड़े स्टिच लेंगे। ये देखें ऐसे, और नीचे वाला स्टिच भी बड़ा कर लेंगे। ओवरलैपिंग बड़ी होगी तो स्टिचेस खुलने का डर या उनके खींचने का डर नहीं रहता। अगर कहीं पे जरूरत महसूस होती है तो मैं बीच में एक छोटा स्टिच भी ले लेती हूं, जैसे ये मैंने छोटा स्टिच लिया। तो ये देखिए, हमारा ये ऑलमोस्ट यहां तक फिनिश हो गया। अब हम ये जो स्पेस बची है इसको भी हम ऐसे ही फिनिश कर लेंगे। यहां पे हमारा ये देखिए ऐसे, क्योंकि यहां पे वेन आ रही है तो इसको हमने अब बनाना है, तो इसलिए अब ये ऐसे फिल होगा। जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आप बारीक थ्रेड और बारीक क्लॉथ पे भी वर्क कर सकेंगे, पर सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत महसूस होगी। तो आप इसकी खूब प्रैक्टिस करें, और जब आपका हाथ अच्छे से इस एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज हो जाए तो आप उसके बाद सिल्कन थ्रेड्स और सिल्कन क्लॉथ के ऊपर भी वर्क कर सकते हैं। तो ये वेन हमने छोड़ दी, यहां पर पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम फिर से इस पॉइंट पे जाएंगे। और इस पॉइंट तक इसको फिर से फिल करेंगे। ये डायरेक्शन जो है वो इस तरीके से है, हमें इसको ऐसे 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 फिनिश करना है। ऐसे डायरेक्शन अगर सही होगी तो बनाना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा। और अगर फ्रेम ढीला हो जाता है तो आप इसको टाइट कर ले, क्योंकि
ये अगर फ्रेम ढीला होगा तो एम्ब्रॉयडरी में फाइननेस नहीं आएगी। क्योंकि ये जो स्टिचेज हैं आप ऐसे आने हैं इस तरीके से, तो ये वाली स्पेस ज्यादा है और ये कम है। आप देख रहे हैं ये डायरेक्शन ये वाली है, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली स्पेस जो है वो ज्यादा है, नीचे वाली स्पेस कम है। तो हम ऊपर थोड़े से स्टिचेस ज्यादा लेंगे। एक आधा बीच में छोटा स्टिच ले लेते हैं जिससे वो कवर अप हो जाता है। ये देखिए बीच में एक छोटा ले लिया। अब देख रहे हैं आप स्पेस ऑलमोस्ट बराबर आ रही है। बस इतनी छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी एम्ब्रॉयडरी बहुत फाइन होगी। तो इसी तरीके से हम फिनिश करते यहां तक इसको ले आएंगे। तो ये देखिए जब हमने यहां तक इसको बना लिया तो ये अब स्पेस जो है वो क्रिएट हो रही है। तो हम इस वेन को छोड़ेंगे क्योंकि यहां पे हमें एम्ब्रॉयडरी नहीं करनी है। तो यहां पे अब हाफ स्टिचेस लेके नीचे वाली स्पेस जो है उसको फिल कर लेंगे। जब ये हमारी स्पेस पूरी फिल हो जाएगी तो इसको हम यहां पे बंद कर देंगे। उसके बाद हम टॉप पे चले जाएंगे इस जगह पे, और यहां पे भी हम सेम इसी तरीके से वर्क करेंगे जैसे हम यहां करते आए हैं। ये वाली पूरी स्पेस को हम ऐसे ही इसी डायरेक्शन में यहां तक वर्क कर लें। यहां तक हमने पूरी स्पेस फिल कर ली है। अब यहां से हम दोबारा से ऊपर टॉप पे जाके ये जो हमारा रेस्ट ऑफ द लीफ है इसको भी भर लेंगे। ये देखें हम टॉप पे गए, अब हम इसको ये पूरे लीफ को यहां से यहां फिनिश करते हुए यहां तक फिनिश करेंगे। तो देखें हमारा लीफ बनके रेडी हो गया है। अब इसकी वेन्स में हम ब्राउन कलर डालेंगे, तो वो भी हमने 3 स्टैंड्स डाल लिए हैं और इसमें भी मैंने गांठ नहीं लगाई है। और यहां से हम इसको भी साटन स्टिच के साथ ही फिल करेंगे, रोमेनियन स्टिच ही हम बनाएंगे। ये देखिए स्टेम स्टिच करेंगे लेकिन थोड़ा सा मोटा इफेक्ट देंगे। जहां पे हमारे ज्यादा गैप्स हैं वहां पे हम इसको साटन स्टिच की तरह स्टिच लेंगे। ये देखिए जैसे हम साटन स्टिच में फिलिंग करते हैं उसी तरीके से कर रहे हैं। ऊपर एक छोटा सा स्टिच, थ्रेड को राइट हैंड साइड की तरफ, और फिर नीचे एक छोटा सा स्टिच ऐसे। यहां पे गैप बड़ा होगा वहां पे हम थोड़ा सा इसको स्लांट करके यूं फिल देंगे ताकि ये हमारी पूरी स्पेस जो है वो फिल हो जाए ऐसे। ये देखें इसी तरीके से हम ये वाली स्पेसेस, ये वाली जो हमारी वेन्स हैं उनको भी फिल कर लेंगे, साथ साथ ही फिल करते जाएंगे क्योंकि गैप ज्यादा है, हमें फिल करने के लिए रोमेनियन स्टिच ही यूज करना पड़ेगा। और स्टिचेस थोड़े से टेढ़े सीधे नहीं है। तो आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से वर्क कर रही हूं। बस आपने इन स्पेसेस को फिल करना है। इसी तरीके से इस तरफ भी हमने यूं ही वर्क करना है। इन स्पेसेस को हम यूं वर्क करेंगे जैसे हमने लीफ को फिल किया है, उसी तरीके से ये स्पेसेस भी फिल करेंगे। इसी तरीके से हमने ये सारे गैप फिल कर लेने। तो देखें
हमारा लीफ बनके रेडी है। आपको अगर डायरेक्शन की समझ लग जाएगी तो आपको लीफ बनाना मुश्किल नहीं लगेगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो आपने राइट हैंड साइड पे वर्क किया है उसकी तो आपको समझ लग गई कि कैसे करना है, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड पे करना है उस स्टिच को हमने किस तरीके से लेना है उस, और इसके साथ साथ मैं आपको इस लीफ की डायरेक्शन कैसे बनानी है ये भी बताऊंगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये लीफ मैंने इस तरफ से बनाया है, आपको देख के आइडिया लग रहा होगा कि इसी तरीके से हम इधर भी लीफ को बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये जो डायरेक्शन है इसको यहां सेंटर में अटैच करना है। ये लीफ को ऐसे सेंटर में अटैच करेंगे, ऐसे 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 ऐसे, और ये वाला जो लीफ है इसको दोबारा से हम यहां से ऐसे करेंगे क्योंकि ये वेन जो है वो हमारी यहां तक आएगी। तो इसको हम ऐसे 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 अटैच करते हुए यहां पे फिनिश करें। तो सबसे पहले हम सेंटर से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यूं अपने नीडल को यहां से पास करेंगे क्योंकि हम गांठ नहीं लगा रहे हैं, तो इसलिए इसको आहिस्ता से यहां खींचेंगे। पहले हमने राइट हैंड साइड की तरफ थ्रेड को रखा था, अब हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ थ्रेड को रखेंगे और एक स्टिच नीचे और एक स्टिच ऊपर। आप देख रहे हैं थ्रेड की डायरेक्शन चेंज हो गई है। अब हमारे स्टिचेस जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ रहे हैं, इसलिए थ्रेड को हमने इस तरफ रखना है। तो जब हमने स्टिच लेना है तो ऐसे लेना है, और जब नेक्स्ट स्टिच ऊपर लेना है तो सिंपली ऐसे लेना है। पहले वाले स्टिच को क्रॉस करना होता है, आप फिर ऐसे रखेंगे और इस तरफ वर्क करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही है। थ्रेड हमारा इस तरफ है, पूरा स्टिच स्ट्रेट है। अब ये लैप ओवरलैप तभी करेगा जब हम ऊपर एक सिंपल स्टिच लेंगे ऐसे, फिर हम थ्रेड को इधर रखेंगे, फिर स्टिच लेंगे। इसमें भी हमने वो रूल जरूर फॉलो करना है कि अगर हमारी ऊपर स्पेस ज्यादा है तो हम थोड़े स्टिचेस छोटे भी ले सकते हैं। हम देख रहे हैं कि ऊपर की स्पेस ज्यादा है इसलिए हम ये स्टिचेस थोड़े इस तरीके से ले रहे हैं। तो इसी तरीके से हमने अब इस साइड पे भी यूं ही वर्क करते जाना है और इस लीफ को फिनिश कर लेना है, और उसके बाद हमने वेन्स बना लेनी है। तो अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।